हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गर्वत। हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट डे में। आज चालू करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। आज हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरी पार्ट है। बीइंग अ मिडिल क्लास इज़ अ रियली वेरी टफ टास्क। बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। तुम लोग अभी फ़िलहाल के लिए जो ज़िंदगी तुम लोग जी रहे हो क्लास 10th वालों, बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। 11th 12th अभी 2 साल तुम लोग के, जितनी 2 साल की और जो ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। और एक तुम आज एक अच्छी ज़िंदगी तुम जी रहे हो। सुबह उठते हो, स्कूल चले जाते हो, स्कूल से वापस घर आते हो, घर आने के बाद में फिर वापस कोचिंग, इधर उधर पढ़ाई, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई, फिर वापस स्कूल, दोस्तों के साथ मस्ती। धीरे धीरे करके जब आप बड़े होते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, सब इस दुनिया में ज़्यादातर सब चीज़ें मेटेरियलिस्टिक हैं, सब छूटती हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके एक एक करके। कोई दिक्कत नहीं, अभी आप ऐश करिए। चलिए चालू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। बहुत झंझट है भैया ज़िंदगी में यार, पैसों के झंझट, रिश्तों के झंझट, लोगों की झंझट, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर कुछ चीज़ें हम लोग देखें, जो मेनली आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चन से आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं बोर्ड्स वाले, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर दो चीज़ें आपको मेन देखने मिलती है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एक होता है आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन ही होता है, डिस्पर्शन होता है। ठीक है, जिस फेस से आदमी जा रहा हो तो इसी चीज़ को लिख देता है। ठीक है, ठीक। सो यहाँ पे होता है डिप्रेशन होता है, DEPRESSION। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के अंदर हमारे पास में अगर हम बात करें, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है कि जब कोई चीज़, जैसे आप पर्टिकुलर यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना, और सपोज़ करो कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई सुंदर सी कन्या है। ठीक है, मोशन कोटा एनवी सर के शब्द हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप उस सुंदर सी कन्या को देखेंगे, तो उस सुंदर सी कन्या को देखने में आपका कुछ थीटा डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो जब थीटा डिग्री का एंगल, जिस एंगल से आप उस सुंदर सी कन्या को देख रहे होंगे, वो आपका हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि मान लीजिए वो सुंदर सी कन्या भी, वो भी आपको देख रही है, ठीक है, लेकिन वो देखेगी कि तो आपको आंखें झुका के देखेगी, मतलब इन द सेंस क्योंकि ऊपर है। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा आंखें झुका के ही देखेगी, ऐसे करके ऐसे ही देखेगी, क्लियर। तो उस वक्त उसके आंखों की नज़रों से वो क्या बनेगा, ये जो थीटा बनता है ये क्या होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो जब कोई ऊपर से नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और जब कोई नीचे से ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि मतलब जब कोई पर्टिकुलर पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो हमारे पास एलिवेशन होता है, और जब कोई ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो हमारे पास क्या होता है, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। क्लियर, कोई दिक्कत है ना। ठीक, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर देखो ध्यान से, तो ये एक्चुअल में जब ऐसे करके कुछ ऐसा प्लॉट होगा, तो यहाँ से मैं थोड़ा इसको इधर जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, अब ये 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर नहीं क्लियर आपको। तो यहाँ से हमारे पास में हम क्या करते हैं कि जब हम कुछ, मतलब चाहे हाइट निकालना हो, चाहे ये डिस्टेंस निकालनी हो, तो हमारे पास कई तरीके के फॉर्मूले आते हैं, है ना। उन फॉर्मूले में सबसे बेसिक से जो आपको, आपने पढ़ रखे हैं, कौन से कि साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना, कॉट थीटा। ठीक, तो आपको जो मेन पूरे चैप्टर में जो मेन यूज़ करना है, एक साइन थीटा आपको हो सकता है बीच में यूज़ करना पड़े, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। एक हो सकता है आपको यहाँ पे कॉस थीटा यूज़ करना पड़ जाए, तो कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपन हाइपोटेनस। एक हो सकता है आपके पास टैन थीटा यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है, टैन थीटा, टेन थीटा यूज़ करना पड़ जाए। ठीक है, तो सर पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान की बेइज्जती हर जगह करनी है। ठीक, क्लियर। तो पी बी पी, पी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
और कॉट क्या हो जाएगा, कॉस्ट कॉट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो बस खाली आप मेन इन्हीं को ध्यान रखिएगा, इन्हीं को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपन हाइपोटेनस, और टेन थीटा आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सारी वैल्यूज को पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक, चलिए छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, और धीरे धीरे किसी तरह क्वेश्चन के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन आपको बोल रखा है इस जगह पे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे पास हो जाएगा 431। ठीक है, 431 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है एक टावर का जो हाइट है, मतलब मैं आपको फिगर बता दूँ, फिगर को समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है ये टावर है ए बी सी, सपोज करिए आपका टावर ए कट गया, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी, ये मेरे पास यहाँ क्या 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर जो टावर का हाइट है कितना है 100 अंडर रूट 3 है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये बेस जो है कितना है 100, ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। अब पूछ रहा है कि बताओ ये थीटा जो है आपके पास कितना हो जाएगा, तो भाई मैंने बताया आपको क्या कि जब परपेंडिकुलर अपन बेस लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है हमारे पास, वो होता है टेन थीटा। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, करेक्ट, ए बी। अब टेन थीटा हमारे पास है, है ना, ए बी क्या है हमारे पास में, ए बी यहाँ पर हमारे पास में 100 अंडर रूट 3, ठीक, अपॉन में बी सी कितना है, बी सी 100 चला गया यहाँ पे हमारे पास, तो कितना आ गया हमारे पास, तो ये एक्चुअल में आ गया टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री। अच्छा, अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट थ्री जो वैल्यू होती है किसकी होती है, अंडर रूट थ्री जो होती है वो होती है हमारे पास टेन थर्टी की वैल्यू होती है, सॉरी टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक, तो अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, टेन सिक्सटी की, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए थीटा से कंपेयर करेंगे कितना थीटा इक्वल्स टू कितना जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, खत्म, है ना। सिंपल से क्वेश्चन तो बहुत इजी तरीके से आप इसको कर ले जाएंगे, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं क्वेश्चन इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 432। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 432 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 432 कह रहा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, है ना, और इस ट्रायंगल के अंदर ये जो ये थीटा है वो कितना है, थीटा आपके पास 30 डिग्री का है, है ना, ये आपके पास कितना है 30 मीटर है ये डिस्टेंस, है ना, और ये हाइट कितनी है, ये h है, करेक्ट। अब मेरे पास जो tan थीटा आएगा, देखिए यहाँ पे इस जगह पे इस बार मान ये a b c ले लीजिए, ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। ठीक, tan थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे दी 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 30, tan 30 इक्वल टू ए बी कितना आपके पास h है, अब h आपको निकालना है, बी सी कितना आपके पास 30, ठीक, और tan 30 कितना आपके पास है, तो tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास में, है ना, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक, tan 30 हमारे पास कितना होता है 1/√3 होता है, इधर से h अपॉन में 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो जाएगा h इक्वल्स टू 30√3। ठीक है, 30√3, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इसको रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करके आप जो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 30√3 है इंटू में 3 ऊपर मल्टीप्लाई इधर नीचे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना 30√3 अपॉन में 3 कितना जाएगा 10√3 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक, तो इस तरीके करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, है ना। इस छोटे आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब इसी तरीके से बहुत लो लेवल क्वेश्चन होंगे, है ना, जिन्हें आप आसानी से कर पाएं। क्लियर, कोई दिक्कत है ना। चलिए देख क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप समझिएगा क्योंकि क्वेश्चंस का जो लिखने का तरीका उसमें मेन यही इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका ग्राफ बन गया, आपका डायग्राम फिगर बन गया, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, लेकिन अगर जैसे फिगर आप नहीं बना पा रहे तो क्वेश्चंस को करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चंस की वर्डिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, क्वेश्चन की वर्डिंग्स क्या कह रही है आपसे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन है जो 60 मीटर का एक टावर 60 मीटर हाइट है। ठीक है, इसकी अबाउ द ग्राउंड यहाँ पे एक काइट उड़ रही है ना, और यहाँ से देख रहा है तो देख रहा है कितने एंगल से होना 60 डिग्री एंगल से होना, तो कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसकी जो फुट की डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक, साइड से बात है भाई, यहाँ पे क्या कर देंगे 10 60, है ना, एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी 10 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 10 60 हो गया हमारे पास अंडर रूट 3, करेक्ट। बी सी मेरे पास कितना है, बी सी मेरे पास है 60 डिग्री, और ए बी हमको फाइंड करना है, सो व्हाट द ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 अंडर रूट 3। अब 60 अंडर रूट 3 का हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो 60 अंडर रूट 3 हाँ सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 60 अंडर रूट 3, है ना,
कितना जाएगा 60 अंडर रूट 3 अपॉन में 3, ठीक है। इधर कटेंगे कितना जाएगा 20 अंडर रूट 3, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 अंडर रूट 3। तो ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 20 अंडर रूट का 3 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास में जो यहाँ से ए बी का जो लेंथ आ जाएगा कितना जाएगा 20 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1.732। आप यहाँ तक करके छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपको दे रहा है अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर लिख के दे रहा है तो आप एक काम करिएगा, लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, दो मिनट का काम और थोड़ा सा पड़ेगा आपका और ईजिली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 434 पे। देखिए 434 आपसे क्या कह रहा है, 434 कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ से एक सेम वैसे ही ट्रायंगल बनाए, ठीक। ट्रायंगल का यहाँ पे ये जो है ये आपके पास कितना 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक। अब ट्रायंगल का ये आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है ना, और आपसे यहाँ पे जो हाइपोटेनस है हाइपोटेनस का लेंथ दे दिया 100 मीटर, ठीक। हाइपोटेनस का लेंथ 100 मीटर दे दिया और यहाँ पे एच, मतलब क्वेश्चन कह रहा था द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। यहाँ से एक आदमी जो स्ट्रिंग काइट की स्ट्रिंग उड़ा रहा है, मतलब बच्चा है स्ट्रिंग काइट उड़ा रहा है यहाँ से, और यहाँ पे जो काइट है ये जो डिस्टेंस है कितनी है 100 मीटर की है, और 60 डिग्री के एंगल बन रहा है, ठीक। विद अ हॉरिजॉन्टल विद फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, काइट की हाइट बतानी है अज्यूमिंग देयर इज नो स्टैक इन द स्ट्रिंग, है ना। स्टैक मतलब होता है कि मतलब किसी तरीके का झुकाव मुड़ाव स्ट्रिंग के अंदर ना, एक स्ट्रेट स्ट्रिंग हो, ठीक। तो मैं हाइट ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है। देखिए इस बार क्या है, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है तो ऐसी कंडीशन आपको क्या लेना चाहिए, आपको साइन ले लेना चाहिए, ठीक। मतलब साइन का फंक्शन लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, चलिए इसको मैं बोल देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन में ए सी, है ना। ए साइन थीटा, साइन कितना, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है साइन 60, साइन 60 इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना है एच, और ए सी कितना है हमारे पास में 100, ठीक है। तो साइन 60 कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3/2 इक्वल टू एच बाई 100, ठीक। इधर कैंसिल आउट करेंगे कितना जाएगा 50 आ जाएगा, तो मतलब ओवरऑल एच की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये 50 अंडर रूट 3 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। 50 इंटू अंडर रूट 3 1.732 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 86.60 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से करके क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से करके हम लोग हाइट का पता कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 435 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 435 क्या कह रहा है आपसे, देखिए ये वीडियो बहुत छोटी बनाएंगे वीडियो, है ना, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट क्या है कि थोड़ा सा शेड्यूल जो है बहुत टाइट चल रहा है, शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है ना, और ज़िंदगी भैया तो ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलता ही रहेगा। चलिए देखिए यहाँ से हमारे पास इस जगह से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास में बी है, ये हमारे पास सी है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो ए बी कितना है 12 मीटर है, ठीक, ये 12 मीटर है, ये हमारे पास जो है ये इधर कितना दिया है, इधर ये हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये रोप है, क्लियर, ये एक रोप दे रखी है, और बोला गया है कि जो रोप का लेंथ है वो हमें पता करना है। कह रहा है अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड अलॉन्ग अ रोप, है ना, एक सर्कल आर्टिस्ट है, ठीक है, एक सर्कस आर्टिस्ट है ना, वो रोप पे क्लाइंब कर रहा है फ्रॉम द रोप टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल एंड, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ इसमें लिख रखी है, इसमें बोला कि 30 डिग्री एंगल बन रहा है और ये 12 मीटर का पोल है और यहाँ पर रोप के थ्रू चढ़ना है, तो रोप का हमको लेंथ निकालना है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर क्या कर लेंगे, साइन ले लेंगे, साइन का फंक्शन लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में हाइपोटेनस ए सी, ठीक है। साइन थीटा मतलब साइन 30, सो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बी कितना हो जाएगा 12, और ए सी कितना हो जाएगा हमारे पास, ए सी रोप आप ए सी लिखिए, साइन 30 वैल्यू होगी 1/2 होती है, ठीक है। इधर आपके पास कितना हो जाएगा 12, इधर आपके पास आ जाएगा ए सी, सो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। 24 सेंटीमीटर नहीं, 24 मीटर में आ जाएगा आंसर, क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक। सिंपल से भी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए देखिए कुछ और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अरे बाप रे, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए देखिए कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 436, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर
कह रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है यहाँ पे, एक क्या है, एक टावर है, ठीक, टावर का कुछ अपना हाइट एच दिया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है यहाँ से जब टावर को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो उसको जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखता है वो 60 डिग्री का दिखता है, ठीक है, कितना 60 डिग्री का दिखता है। जब वो यहाँ से यहाँ मूव करके आता है और यहाँ से एलिवेशन को ऑब्जर्व करता है, तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन तो कितना होता है, वो 30 डिग्री का हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो करता है 20 मीटर की, ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको ए कर लें, इसको बी कर लें, इसको सी कर लें, इसको डी कर लें, ठीक। और जो हमारे पास में ये डिस्टेंस है ए डी, है ना, ठीक है, ए डी डिस्टेंस कोई मतलब नहीं, हमें निकालना है, सिर्फ यही निकालना है, हमको बी सी का पता करना है, करेक्ट। तो पहले आप क्या कर लीजिए, पहले आप लिख लीजिए 1060। तो 1060 इक्वल टू क्या होता है, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। 1060 वैल्यू होती है हमारे पास में अंडर रूट 3 होती है, तो यहाँ से अंडर रूट 3, ए बी एच है और बी सी आपके पास मान लीजिए एक्स है, तो यहाँ से हो जाएगा एच इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे 1030 की बात कर लीजिए, तो 1030 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एच मतलब ए बी अपॉन में पूरा पूरा डी बी हो जाएगा, या फिर बी डी लिख लीजिए बी डी। तो 1030 वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 होती है। ए बी कितना आपके पास, ए बी एच है, ए बी एच है। बी डी कितना है हमारे पास में, बी डी हमारे पास में 20+x है, ठीक है, बी डी हमारे पास कितना है 20+x, ठीक, इधर एच, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा 20+x अपॉन में अंडर रूट 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एच इक्वल टू अंडर रूट 3x है, इधर 20+, तो क्या करते हैं दोनों को इक्वलाइज करते हैं, दोनों को सेम करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3x इक्वल टू 20+x अपॉन में अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हो जाएगा 3x, एक्स इधर लेके चलेगा तो एक्स इक्वल टू 20, सो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा 2x इक्वल टू 20 मतलब एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू कितना जाएगा पास, आपके पास एक्स इक्वल टू आ जाएगा 10, ठीक है, क्लियर। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच इक्वल टू है 3√3, यहाँ से जाएगा हमारे पास में, यहाँ से एक्स कितना जाएगा 10√3, ये हमारे पास एग्जैक्टली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 10√3, ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना, ठीक है। ओहो ये सारी चीज़ें कट गई, आप देख ही नहीं पाए, ये भगवान, ठीक है, क्लियर। अब आई होप देख पा रहे होंगे आप कि कैसे कर दिया गया है, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 437 देख लेते हैं, है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 437, चलिए क्वेश्चन नंबर 437 क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ से बोला है, कह रहा है कि एक टॉल बिल्डिंग है ना, ठीक है, क्लियर, उसका जो हाइट है वो एच दे रखा है, एक टॉल बिल्डिंग हाइट एच दे रखा है, एक पर्टिकुलर पर्सन यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो जहाँ से जब उस बिल्डिंग को बिल्डिंग के उसको ऑब्जर्व करता है, बिल्डिंग के मोस्ट ऊपर पॉइंट से ऑब्जर्व करता है, तो कितना आता है 30 डिग्री का एंगल बनता है। जब वो पर्सन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता है तो जब उसका जो ऑब्जर्वेशन करता है तो वो कितना, तो ये 45 डिग्री बनता है, ठीक है, क्लियर। इसके बीच की जो दूरी है कितनी है, 10 मीटर की है ना, तो यहाँ से एक्स में ये फाइंड करना है, ठीक है, एक्स में ये फाइंड करना है, ठीक, क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। अब हमारे पास में ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना होगा यहाँ से कि 10 45 इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन में बी सी। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ए बी की वैल्यू एक्स अपॉन में एक्स, तो एच और एक्स क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। और फिर उसका यहाँ से क्या करेंगे, 10 30, सो 10 30 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एच अपॉन में 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स। 10 30 की वैल्यू सॉल्व करने में कितना आता है, 1/√3,
थ्री आता है इक्वल्स टू एच अपॉन में 10 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कि 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री एच, ठीक है, अंडर रूट थ्री एच, तो एच जगह रख दीजिए एक्स लिख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस, क्या निकालना है आपको, आपको निकालनी है एच और एक्स दोनों निकालना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या कर दीजिए 10 प्लस एक्स यहाँ पर है, आप यहाँ पर क्या कर लें, यहाँ पर आप एच रख लें, बात वही होगी अंडर रूट थ्री एच, यहाँ से 10 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, माइनस करेंगे तो एच कॉमन लेने पे अंडर रूट थ्री माइनस का वन, सॉल्व करेंगे तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी कितनी, ये देखिए 13.65 मीटर, ठीक है, और ये सेम वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये सेम वैल्यू आपके पास एक्स की भी हो जाएगी, एक्स क्या है ये डिस्टेंस इनके बीच का, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है ना। चलिए आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 438 पे, करेक्ट 438 पे आ जाते हैं, तो 438 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 438, ठीक है, तो क्वेश्चन 438 ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बहुत सिंपल से हैं, है ना, कोई ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है, आराम से आप इनको टाइम देंगे तो बहुत बड़े आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, और वीडियोस थोड़ा लेट आ रही हैं उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, वैसे भी कोई देख नहीं रहा है तो कोई लेट या जल्दी से कोई मतलब बनता नहीं है, हे भगवान। चलो भाई देखो, उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस और ढंग का मुझे मिल जाए बता देता हूँ आपको। चलिए देखिए, दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये है कि क्वेश्चन वो 438 कह रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है और दो बिल्डिंग से अपोजिट जो कि सेम हाइट की, इसका भी हाइट एच है, इसका भी हाइट एच है, तो कह रहा है इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, और इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जब इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, तो ये बनता है 30 डिग्री का, इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व करते हैं तो बनता है 60 डिग्री का, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से बोला जाए कि हमें बताना है क्या कि इस पूरे बिल्डिंग में, यहाँ से ये मैं मान लो डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये आपके पास ए हो जाएगी, ये आपके पास पी है, ये आपके पास सी है, ये आपके पास डी है और ये आपके पास बी है, ठीक है, तो इसका आपको क्या बताना है, यहाँ पर डिस्टेंस बताना है, है ना, ठीक। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दी है ए सी, पूरी पूरी ये डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर दी गई है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स मीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 100 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा, ठीक है, और पूरा डिस्टेंस कितना है ए से लेकर सी तक, ये 100 मीटर का है, ठीक, क्लियर। तो जब पहले आप 10 30 किलो सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, फिर आप 10 60 किलो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, और फिर दोनों इक्वेशंस जो भी आएंगे उनको इक्वेट करिएगा और वहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएंगी और एक्स की वैल्यू उसको निकालेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए 10 30 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एच अपॉन में, ठीक, 10 30 आपके पास हो जाएगा एच अपॉन में एक्स, ठीक है, 10 30 आपके पास क्या जाने वाला है, ये हो जाएगा आपके पास एच अपॉन में 100 माइनस एक्स 30 के लिए। 10 60 कितना हो जाएगा आपके पास, तो 10 60 हो जाएगा आपके पास में एच अपॉन में, ठीक है, 10 60 हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, एच अपॉन में एक्स, तो एच अपॉन में एक्स हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन 100 माइनस एक्स, ये आपके पास हो जाएगा 1/√3 एक्स इक्वल्स टू एच, ठीक, 1/√3 इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एच इक्वल्स टू आ जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन में 1/√3, एच इक्वल्स टू आ जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन में 1/√3 और एच इक्वल्स टू कितना जाएगा 1/√3x आ जाएगा। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर रखेंगे कि 1/√3x इक्वल्स टू 100 माइनस का x अपॉन में 1/√3, तो यहाँ सॉल्व करने पे हमारे पास में जो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x
और यहाँ कितना हो जाएगा, 5x मतलब कितना हो जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 25 आ जाएगी। तो हाइट हमारे पास कितना हो जाएगा, हाइट इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, ठीक, हाइट हमारे पास हो जाएगी कितना 25 इंटू में अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 अंडर रूट 3 जो जाएगा वो हमारा हाइट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, अच्छा लगा होगा, ठीक, समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 438 तक हम लोगों ने कर लिया, 439 और 440 दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से ना, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। 439 देखिए, 439 में कह रहा है कि एक ट्री है, तो ट्री की जो ब्रांच है वो टूट कैसे गिर गई है, ठीक है, क्लियर। जो बहुत ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है और जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इसके अंदर, जिन बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है ना, उनका मेन सबसे पहले दिक्कत यही रहता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। कह रहा है कि यहाँ से एक पेड़ है, पेड़ का हाइट जो है वो 10 मीटर है, करेक्ट, और यहाँ जब पेड़ गिरा तो गिरने के बाद में उसने बनाया तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक। तुम्हें बताना है कि हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, है आप समझ पाए क्वेश्चन को नहीं, कि नॉर्मल एक पेड़ ऐसा था, कैसा था पेड़, वो एक्चुअल में पेड़ हमारा कुछ ऐसे था, तो ये डिस्टेंस थी हमारे पास में ए बी, है ना, और ये डिस्टेंस थी हमारे पास में सी। जब पेड़ इधर से गिरा तो गिरने के बाद में फिर वो क्या, फिर इस डायरेक्शन में आ गया, क्लियर। तो अब हमें बतानी हाइट ऑफ द ट्री या फिर हाइट ऑफ द, हाँ हाइट ऑफ द ट्री हमें कहना जाता है, हाइट ऑफ द पेड़, ठीक है, क्लियर, हाइट ऑफ द ट्री बतानी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखें यहाँ से करेंगे 10 मीटर है, आप ए सी निकाल लीजिए, है ना, तो ए सी निकालिए मतलब परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस मतलब साइन लेना पड़ेगा आपको यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास साइन साइन थीटा, थीटा भी साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, ठीक। साइन थीटा मतलब साइन 60, सॉरी साइन 30, साइन 30 इक्वल टू 10, ए बी की वैल्यू कितनी है 10 और ए सी आपको निकालनी है, ठीक है, क्लियर। साइन थीटा कितना, साइन 30 कितना हो जाएगा आपके पास, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है 1/2, दैट 10 अपॉन में ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 20, है ना, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा हमारे पास में, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 20 मीटर। अच्छा ए सी की वैल्यू आ रही कितनी 20 मीटर आ रही, तो इसका आंसर क्या इतना, क्या एसी हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, नहीं भाई हमको हाइट ऑफ द ट्री बताना है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, जो हाइट हो जाएगी वो ट्री की, हाइट ऑफ ट्री है ना, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास ए बी प्लस में ए सी, सो ए बी प्लस ए सी कितना हो जाएगा आपके पास, ए बी कितना है 10 और ए सी कितना है आपके पास 20, सो 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, सो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ है ना, ठीक है भाई, तो इस तरीके करके हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ द ट्री निकालेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 440 पे, लास्ट क्वेश्चन देख, ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 440 कुछ छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, फिर जिस तरीके से वीडियोस आ रही थी वैसे ही आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, है ना, उसके बाद फिर आपको सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ताकि आप थोड़ा थोड़ा आप जान जाएँ कि एक्चुअल में हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, क्या कैसे फॉर्मूलेस यूज़ होते हैं, किस तरीके से सोल्यूशन होता है ना, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक सिंपल सा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए कौन सा क्वेश्चन देख लें, तो ये कह रहा है फ्रॉम अ विंडो ऑफ 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, ठीक है, कह रहा है फ्रॉम अ विंडो, एक विंडो है जो 15 मीटर ऊंचाई है एक ग्राउंड से, तो ग्राउंड से 15 मीटर ऊंचाई पे एक यहाँ पे विंडो है, ठीक है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फोर्ट एंड द अनदर हाउस ऑफ द अपोजिट एंड, मतलब दूसरी तरफ एक हाउस है, ठीक, देख भाई दूसरी तरफ क्या है, एक हाउस है, तो इसके फुट में फुट का डिप्रेशन और इसके फुट का इसके उसके जो टॉप का एलिवेशन, तो जो फुट का डिप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री है और ये जो एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक, कोई दिक्कत है ना। अब कह रहा है कि और जो 30 डिग्री 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस,
ठीक है, हमें अपोजिट हाउस जो है, ये हाइट्स जो हाउस है इस पूरे का हमें हाइट पता करना है, करेक्ट। इस पूरे का हमें क्या पता करना है, इस जगह का उस पूरे का हाइट पता करना है, ये हाइट हमें पता करना है। देखिए ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा, पास 15 हो जाएगा। या आप इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी, इसको ई, है ना, ए बी सी डी ई, क्लियर। ऐसे करके आप बना लीजिए, है ना। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये 45 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री है। आपके पास क्या करना है, आपको हाइट ऑफ द टावर निकल, अगर ये 15 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास एच माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो 10 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 45 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, 10 45 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन मी बी सी। सो ई सी मतलब इधर हमारे पास ई सी अपॉन मी बी सी, ठीक है। 45 इक्वल टू कितनी होती है, 1 होती है, करेक्ट। ई सी कितना दिया आपको, ई सी दिया 15, तो बी सी भी कितना हो जाएगा पास, बी सी आपके पास हो जाएगा 15, बी सी कॉस्ट कितना हो जाएगा 15, मतलब ये भी कितना आपके पास 15 है। अब ये 15 है तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करेंगे, ओहो कट ही जाती हैं चीज़ें, है ना। इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 10 30 कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में एच माइनस 15 अपॉन में 15, ठीक। तो 10 30 किलो कितनी होती है, 1/√3 होती है, एच माइनस 15/15। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी कितना, 23.66 मीटर, 23.66 मीटर, ठीक है, क्लियर। आपकी वैल्यू h की 23.66 मीटर आ जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। आप फिगर देख लीजिए, फिगर देख कर आप आराम से सॉल्व करिए खुद से, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल, बाय बाय, इन्जॉय योर डे, इन्जॉय द लाइफ यू आर लिविंग राइट नाउ, इट्स फैंटेस्टिक, बिलीव मी इट्स फैंटेस्टिक। बोर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बोर्ड्स में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, बाकी भी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सुकून की है 2 साल तक, ठीक है। ओके सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, ठीक है, क्लियर, बाय।